सर अभी जो नया कोरोना आया है उससे कैसे लोग बच सकते हैं सही तरीके से? अभी जो और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं उनके घर पे अवेलेबल हो, उनको हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़े? मैं खुद नहीं चाहता लोग हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि हमारे पास जब कोई कारगर दवा है ही नहीं तो हम किस बिना पे उन लोगों को बोलें कि आप हॉस्पिटल आओ? तो क्या कोई दवाई काम कर रही है? कोई भी दवाई काम नहीं कर रही। फिर क्या हो रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर? हॉस्पिटल्स के अंदर आपके सिम्टम्स का इलाज हो रहा है। आपको बुखार है तो बुखार की दवाई है, आपको शिवरिंग हो रही है तो शिवरिंग की दवाई है, आपको इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन की दवाई है, आपकी छाती भर गई तो आपको छाती को कम करने की दवाई है, छाती जो खड़खड़ करती है वो कम हो जाएगी, आपके ऑक्सीजन डाउन हो रही है तो आपको ऑक्सीजन देते हैं कई तरह से, छोटा मास्क है, बड़ा मास्क है, वेंटिलेटर है, बाईपैप है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स कोरोना का इलाज नहीं करते। कोरोना के नाम पे हमने बहुत सारी दवाइयाँ ट्राई करी जिसमें से एक रेमडेसिविर भी थी। ये रेमडेसिविर हम लोग बहुत लोगों को दी, देखी, परखी, पर उसमें भी पता चला कि इतनी इफेक्टिव नहीं है कि आपने गोली दे दी और इमिडिएटली कोरोना मर गया और वो सब लोग बच गए, ऐसा नहीं है, ये गलती है। हाँ, कुछ हद तक है। अगर आप मुझसे पूछें कि फिर कोरोना से बचने का तरीका क्या है, कोरोना से बचने का है तरीका हैंड वॉश, सोप यूज़ करिए, हाथ साफ रखिए, क्योंकि हाथ जैसे ही आपने इधर लगाया कोरोना दूसरे आदमी में ट्रांसमिट हो गया। और दूसरा, मास्क लगाइए, क्योंकि ये ट्रांसमिट सिर्फ 1 मीटर की डिस्टेंस पे हो सकता है, इसके बाद में किसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। जो नया कोरोना वायरस आया है उसके अंदर सिर्फ ट्रांसमिटिंग कैपेबिलिटी है, आपको मालूम है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, आप वही को तोड़ दो, उस साइकिल को तोड़ दो, मास्क लगाओ, कवर कर लो और 2 मीटर के डिस्टेंस पे रहो। अगर आप मास्क नहीं लगा सकते, अगर कोई घर कमरे में नहीं है या 1 हाथ के डिस्टेंस से दूर पे आपसे बैठा है तो आप उसको कोरोना कभी भी नहीं दे सकते। सर डर रहे हैं लोग सबसे ज्यादा, डर का इतना ज्यादा, क्योंकि 2 लाख केसेस जैसे ही आए हैं, पहले 1.5 लाख से, अभी कंटिन्यूस 10 डेज के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा आ रहे हैं और आज तो वो 2 लाख पहुंचे, क्रॉस भी कर जाएगा। डर का माहौल इतना ज्यादा हो गया है, लोग डर रहे हैं और वो थोड़ा सा कुछ होता है हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। और इसमें क्या है सर, एक बड़ा सा एक वो मतलब उसको मैं माफिया वर्ग भी कहता हूँ जो इसमें सक्रिय हो गया, जो एक पेशेंट पहुँचता है हॉस्पिटल में और वहाँ पे उनको इतना बुरी तरह से काटा जाता है, उस पर सर कुछ बताइए आप। सर कोरोना डर की बीमारी है, इसमें कोई दोराह नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उनको ये सिर्फ बता दिया गया कि आपको कोरोना पॉजिटिव है। अगर आप सिर्फ पेशेंट्स को कोई भी टेस्ट मत करो और उनको घर में रखो और वो 100% लोगों में से सिर्फ 1% लोग मर रहे हैं, जब गवर्नमेंट ने ये आंकड़े जारी किए कि 1-2% ही लोग मरते हैं तो फिर इतनी सारी डेथ्स क्यों? दूसरा, हम अननेसेसरी लोग हॉस्पिटल आके जो दवाइयों लगवा रहे हैं और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट और इतनी हाई फ्लो पे ऑक्सीजन दे रहे हैं उससे लंग्स डैमेज होते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि हर लोग हॉस्पिटल की तरफ मत भागो। अगर आपको कोरोना हुआ है तो डरो मत, घर के अंदर अपने आप को आइसोलेट करो। आइसोलेशन से कोरोना 99% खुद मर जाता है। आपके बचने के चांसेस 99% है अगर आप एक भी गोली, एक भी ऑक्सीजन, एक भी टेस्ट ना कराओ। फिर टेस्ट कराई क्यों और सरकार आप क्यों कह रही है टेस्ट कराओ? जिससे कि मास लेवल पे फैल ना जाए। मान लीजिए कि मैं अगर किसी सोशल सर्विस प्रोवाइडर हूँ या मैं प्लेन में ट्रेवल कर रहा हूँ या मैं एक ऐसी जगह पे जाके बोलता हूँ जहाँ पे 100 लोग सुनते हैं, तो वहाँ पे मैं उन लोगों को अफेक्ट ना कर दूँ या ट्रेवल के टाइम और देशों में अफेक्ट ना हो जाए, इसलिए टेस्ट कराना ज़रूरी है। आप अगर घर में बैठे हैं, आप यंग हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा बुखार आया तो पूरी की पूरी फैमिली लाइन में लग कर टेस्ट कराने को बैठ जाती है और हो सकता है उनके घर में एक को भी इन्फेक्शन ना हो और लाइन में लगने की वजह से 2 इन्फेक्ट हो के आ जाए और सारे के सारे कुटुंब को इन्फेक्ट कर दें। लाइनों में लग के टेस्ट मत कराओ। टेस्ट कराओगे तो आप अपने पैसे दूसरे लोगों को देके आओगे और जो बाद में ये लोग बोलेंगे कि वो नेक्सस है। हम हॉस्पिटल्स में आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, हमको सेवा सिर्फ उन्हीं लोगों की करने दो जिनको ज़रूरत है। तो कौन से लोग हॉस्पिटल आए? जिनको सांस फूलती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हॉस्पिटल आओ। जिनकी पल्स ऑक्सीमीटर पे सैचुरेशन 90 से कम आ रही है, हॉस्पिटल आओ। जो लोग खाना छोड़ दिए, हॉस्पिटल आओ। जो लोग बुजुर्ग हैं और उनकी सेवा आप खुद नहीं कर सकते तो उनको लेके आओ। हर आदमी अगर 20-25 साल का भी कूद करके अगर हॉस्पिटल आ जाएगा और हॉस्पिटल वाले एडमिट कर देंगे तो बाद में मेडिसिन का या फार्मा का नेक्सस बोलना बहुत आसान है। इसलिए पहले आप हमारी मदद करिए, आप तय करिए कि हॉस्पिटल कौन आएगा और अपना फ़ोन पे कंसल्ट लीजिए, डॉक्टर से पूछिए, अपने फैमिली फिजिशियन से पूछिए कि किन को हॉस्पिटल जाना चाहिए। और मीडिया ने बहुत मदद करी,
इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कोरोना की सारी दुनिया को दे दी कि आज की दुनिया में मैं एक डॉक्टर नहीं बोलता हूँ, सब लोग आप डॉक्टर हो, क्योंकि कोरोना के एक इन्फॉर्मेशन आती है, एक डेथ होती है कन्याकुमारी में, तो जम्मू कश्मीर में पता लग जाता है कि एक आदमी ऐसे मरा था, ये हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, और ये गोलियां हैं। क्या किसी और बीमारी के बारे में आपको ऐसा अंदाजा है कि टेटनेस के लिए कौन सी दवाई दी जाती है, या पोलियो हो जाए तो क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं, या हॉस्पिटल में सेप्टिक का क्या क्या इलाज होता है? आज कोरोना का इलाज हर कॉमन आदमी को मालूम है, और यह होना भी चाहिए, क्योंकि जब कोई कारगर दवा है ही नहीं और सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज है, और आप लोगों ने, मीडिया लोगों ने जब सब लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे तभी तो हमारे लोग ठीक होंगे। अच्छा सर, एक जो मार्केट में नेक्सस बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो चाहे मास्क से रिलेटेड हो, चाहे सैनिटाइजर से रिलेटेड हो, या जो बाकी चीजें जो कोरोना से रिलेटेड मार्केट में आ गई है, सर उस नेक्सस से कैसे बच सकता है आदमी कि वास्तव में क्या जो मार्केट में जो मास्क बिक रहा है क्या वही पावरफुल है, या फिर हम उसको घर पे भी बना सकते हैं, घर पे भी यूज वाला जो चीजें होती है वो कर सकते हैं, या सोप का इस्तेमाल को लेकर के, या जो बाकी चीजें हैं कौन कौन सी चीजें जो हम इजी वे में हमारे किचन में अवेलेबल हो जाए, हमारे घर पे अवेलेबल हो जाए? सर देखिए, सबसे पहले दो तीन चीज़ें इन्होंने, ये सबसे अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि यही सवाल नेक्सस को तोड़ता है। सैनिटाइजर सिर्फ हॉस्पिटल यूज़ के लिए बनाया गया था। इसका पर्पस ये है कि जब हम ऑपरेशन करते हैं तो स्किन को डिसइंफेक्ट करते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया या और चीज़ें इससे मर जाएं। सैनिटाइजर से वायरस नहीं मरा करते। दूसरा, साबुन से अच्छा सैनिटाइज़र दुनिया में आज तक ना बना है ना बन पाएगा शायद। साखर का बना हुआ साबुन और पानी से हाथ धोने से अच्छा सैनिटाइज़र दुनिया में नहीं है। तो सैनिटाइज़र का नेक्सस ही ख़त्म हो गया। बची दूसरी बात, मास्क कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा, और कौन से वाला N95 कौन सा वाला N95 नहीं। आप मोटा मोटा एक चीज़ समझ लीजिए, कॉमन पॉपुलेशन को कोई भी N95 मास्क की ज़रूरत नहीं है। जो लोग 2 मीटर की डिस्टेंस पे रहते हैं उन लोगों को मास्क की ज़रूरत नहीं है। 5 साल से छोटे बच्चों को मास्क नहीं लगाना, क्योंकि उनको पता नहीं होता, उनकी ऑक्सीजन कम हो जाती है। कपड़ा का मास्क भी काम करता है, सिर्फ एक कंडीशन में N95 मास्क लगाना है। अगर आप एक कोरोना पेशेंट की सेवा कर रहे हो, आपके घर में कोरोना पेशेंट है और आपको उस कमरे में जाना ज़रूरी है, और आप उससे 2 मीटर के पास रहते हो, उसको खाना खिलाना चाहते हो, नर्सेस, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, उनको N95 मास्क की ज़रूरत है, वहाँ पे यूज़ करो। और दूसरा, इसको नेक्सस मत बनने दो। 700 रुपये, 1400 रुपये के नाम पे मास्क बेचे गए, जो आज 30 रुपये के बिक रहे हैं। क्यों नहीं जाके सवाल पूछते कि उनके ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ क्यों उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती कि ये N95 मास्क की अपर लिमिट, इसके ऊपर आप नहीं बेच सकते। सर, एक हम जो जनरल आदमी है वो टेस्ट करवाने जाता है, और RT-PCR टेस्ट जो इसका होता है, तो सर वो टेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा मजाक साबित हो गया है। और अभी जो साइंटिस्ट है वो खुद कह रहे हैं कि बहुत सारे जो मरीज आ रहे हैं वो RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव है, लेकिन वो एक अलग ही टाइप का कोरोना की वजह से उनमें पता ही नहीं चल रहा, डिटेक्ट नहीं हो रहा। तो सर, आपको लगता है कि ये वास्तव में मजाक ज्यादा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है मजाक? क्या वास्तव में इसमें साइंटिफिक गलती है, या फिर जनरली ये यहाँ भी कोई नेक्सस काम कर रहा है? सर, RT-PCR जो एक ज़माने में एग्जिस्ट भी नहीं करता था, 1 साल पहले आया, इन लोगों ने इतना इतना पैसा बनाया टेस्टों के नाम पे, जिसका कोई हद भी नहीं है। किसको टेस्ट कराना है? अगर आपको पेशेंट्स को सेग्रीगेट करना है तो टेस्ट कराना है। जब कोरोना फैला नहीं हुआ था, जब देश में एंट्री करने वाले लोगों को आपने रिस्ट्रिक्ट करना है, और आपने तय करना है इस देश के अंदर बॉर्डर्स को सील कर दिया, और जो भी अंदर आएगा इस एरिए में तो वो टेस्ट कराए बगैर नहीं आएगा, जब RT-PCR का बेनिफिट था, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में RT-PCR का बेनिफिट था। अब आजकल कोई भी का गला ख़राब होता है वो चला जाता है टेस्ट कराने को। एक तो ये ओवर यूज ऑफ टेस्ट जो कॉमन लोगों के लिए अलाउ कर दिया गया। कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने कहा था, जब तक डॉक्टर लिख करके स्टैंप लगा के नहीं देगा और बताएगा नहीं कि क्यों करा रहा है, जब तक टेस्ट नहीं होगा। आज ओपन कर दिया है और हर लैब के अंदर ये टेस्ट अवेलेबल है, सब लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, और लोग डर के मारे खर्चा कर रहे हैं। बंद करिए RT-PCR कराना जब तक आपका डॉक्टर खुद नहीं कहता कि इसकी ज़रूरत है और आपको सेग्रीगेट करना है। एक फैमिली में किसी को कुछ नहीं था, चलो जाएंगे टेस्ट कराने, टेस्ट कराया, 12 में से 10 पॉजिटिव निकले और 2 नेगेटिव निकले, सब रो रहे हैं। जो नेगेटिव है वो ये बोलकर रो रहा है कि मैं कैसे बचूं, जो पॉजिटिव बोल रहा है कि मैं क्या करूं। और प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? जहां आपने टेस्ट कराया। अननेसेसरी टेस्ट कराना बंद कर दो।
हाँ, जो कोरोना का जो नया वाला वायरस म्यूटेट हुआ वो कई बार आरटीपीसीआर टेस्ट में नहीं आता। 10 में 8 लोग पॉजिटिव आते हैं, 2 गलत रिपोर्ट्स पहले आया करती थी, अब बोल रहे हैं कि 2 की जगह 3 आएंगी। तो अगर आपने टेस्ट कराया और नेगेटिव आया तो 30% चांस है कि वो पॉजिटिव है और टेस्ट ने पकड़ा नहीं। इसलिए टेस्ट की महत्ता समझिए कि टेस्ट कब यूज़ करना है। अगर टेस्ट को अगर आपने मजाक बना लिया और सब लोगों को करने लगे, जैसे लोग टाइफाइड का टेस्ट करा के, ब्लड के टेस्ट करा लेते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लेते हैं, ये वैसा टेस्ट नहीं है। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड आइडियाज़ के हिसाब से ही टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस होना चाहिए। सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट आपके घर में सेलफोन पे आ जाती है पॉजिटिव और पैनिक फैला देती है। ये सबसे बड़ा कारण है। आप अनप्रोवोक्ड बगैर डॉक्टर की सलाह के टेस्ट कराना बंद करिए। अच्छा सर, एक मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा कि अलग अलग लोगों पे अलग अलग कोरोना किसके किस इफेक्ट करता है। हार्ट का पेशेंट ऑलरेडी है, डायबिटिक है, बीपी का है, या फिर बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हैं, किडनी का है, तो इन बीमारियों पे ये कैसे असर करता है? फिर सर इसमें से वैक्सीन का है, कि उन लोगों के लिए वैक्सीन किस तरीके से असर करता है? देखिए, कोरोना आपके लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है। कब करता है? जब आपको पहली बार बुखार होता है, और ये बुखार होता ही जाता है और हाई ग्रेड फीवर चलता रहता है, तो ये वो टाइम है जिस वक्त कोरोना आपके लंग्स को डैमेज करता चला जाता है। लंग्स के अंदर 25 सेगमेंट होते हैं, और से फॉर एग्जांपल आपके 20 सेगमेंट खाए गए, आप 5 सेगमेंट से सिर्फ ऑक्सीजन बना रहे हो, ऑक्सीजन सप्लाई गिर जाती है बॉडी में। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमारा हार्ट ज़्यादा तेज ब्लड सप्लाई करता है, भगाता है। तो आपका हार्ट जोर से काम कर रहा है कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजनेशन अच्छा नहीं हो रहा, ऑक्सीजन कम है, तो ज़्यादा मात्रा में ब्लड देने से हार्ट तेज भागता है। तो ये लोग बोलते हैं कि हमारा हार्ट तेज से धड़कता है, डर लगता है, और हमारा पैल्पिटेशंस होते हैं। तो ये तो हो गया हार्ट के ऊपर स्ट्रेस। उसके अलावा आपको जो दवाइयाँ दी जाती हैं, जो स्टेरॉइड दी जाती हैं इससे बचने के लिए, उससे शुगर बिगड़ जाती है, बीपी बिगड़ जाता है, किडनी के ऊपर स्ट्रेस आता है, और जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है वो लोग लड़ ही नहीं पाते। जो स्टेरॉइड्स में हैं, या किडनी के ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, या डायलिसिस पेशेंट हैं, स्ट्रोक पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, वो लड़ ही नहीं सकते इस कोरोना के साथ। और ना लड़ने की वजह से कोरोना जल्दी आपके ऊपर हैवी हो जाता है। आपने देखा होगा बच्चों को भी कोरोना होना शुरू हो गया है, यंग लोगों को भी कोरोना होता है, पर उनको जुकाम बुखार होकर ठीक हो जाता है। कोरोना की लाइफ 14 दिन है, आपकी ज़िंदगी 60-70 साल है। आप कोरोना से कभी भी जीत जाओगे, पर प्रॉब्लम क्या है, आपको ये 14 दिन जिंदा रहना है, बगैर खौफ के, अच्छा खाना खा के और अच्छा सो के आप इससे बेटर लड़ पाओगे। अच्छा सर, आपने बचने के तरीके बताए, खाना अच्छा अच्छा कौन सा खाना चाहिए, सोने का क्या लाइफस्टाइल हमें यूज करनी चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो है वो बेनिफिट वाली हो सकती है? तो अगर आप खाने पे आओ, देखिए खाने की फूड प्रेफरेंस लोगों की अलग होती है, वेजिटेरियंस की और नॉन वेजिटेरियंस की, पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके इस लड़ाई को खत्म कर देता हूँ। पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू के अंदर 20 दिन रह जाए, उसका वजन कम ही होता जाता है, कभी बढ़ता नहीं, हाथ पैर सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, डॉक्टर कहता है प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है। हम लोग दुनिया के सबसे अच्छे छाने हुए विटामिन ट्यूब के थ्रू, नाक के थ्रू देते हैं, जो कई बार 1000 रुपये किलो भी होते हैं। हम विटामिन के इंजेक्शन देते हैं, पर पेशेंट कभी भी उससे इम्प्रूव नहीं होता। और वही पेशेंट जब डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है और घर की बनी दाल और चावल खाता है, और उसमें कुछ भी ना डालो, तो भी उसकी रिकवरी विद इन 10 डेज ऐसे हो जाती है कि ऐसा जैसे मैजिक होता है। बात ये नहीं है कि खाने में कितना विटामिन्स है, हम सब लोगों के पास खाने के लिए जो ताज़ा रूटीन आने वाला फल फूल और सब्जी चावल है, वो ही दुनिया की सबसे अच्छे विटामिन्स है। ये विटामिन का भी नेक्सस है कि ये गोली खा लो, वो गोली खा लो, विटामिन सी खा लो, कोई भी विटामिन खाने की गोली खाने से आपकी इम्यूनिटी नहीं बनने वाली, और इससे आप नहीं बचोगे। आपको बचने के लिए आपको जो पसंद है और जो आपकी आपका कल्चर आपको सिखाता है, आप साउथ इंडियन है, डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, वो आपके लिए सबसे अच्छी इम्यूनिटी देगा। मैं कहता हूँ कि खाना खाना छोड़िए मत, रेगुलर खाते रहिए, और कोशिश करिए कि लिक्विड की कमी ना होने दीजिए बॉडी में। तो इससे तो मैं बोलूँगा फूड का कोई ये नहीं है कि मैं आपको एक डाइट चार्ट दे दूँ कि यही खाना है। ताज़े फल, ताज़े फ्रूट्स, आपके सब्जियाँ, हरी पत्ते की सब्जियाँ, और अगर आप जो कल्चरल जो फूड बनता है, जो इस वक्त मार्केट में ताज़ा सब्जी मंडी में अवेलेबल है, वही आपके लिए बेस्ट है।
ऐसा भी देखा गया कि जो लोग हेल्दी थे, जो लोग रोज एक्सरसाइज करते थे, एक्सरसाइज का मतलब नहीं जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज का मतलब जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग खाना भूख लगने पे खाते हैं, जो लोग सारा दिन वॉक करते हैं, जो लोग अपने काम पे जाते हैं तो कोशिश करते हैं रास्ते में कहीं ना कहीं काम कर लिया जाए, जो एक्टिव हैं, जो लोग बिस्तर पे पड़े हुए हैं वो लोग कोरोना से नहीं बच पा रहे कंपैरेटिवली, वो लोग जो सारा दिन एक्टिव रहते हैं, सुबह उठ करके शाम तक मैं भागता रहता हूँ, मेरे पास जिम जाने का समय नहीं है मुझे तो भी मंजूर है, हर वो आदमी जो एक्टिव है अपने दोनों पैरों पे खड़ा है। इसलिए सारे बुजुर्गों को ये चाहिए कि खाना खाने के बाद आधा घंटा रेस्ट करने के बाद कुछ देर वॉक करें, जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, खुद उठ के बाथरूम तक जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, वो लोगों को कोरोना हाथ भी नहीं लगा सकता। दूसरा सर वैक्सीन पे आते हैं, वैक्सीन को लेकर के डर है और जो बीमारियां जिनको ऑलरेडी हैं वो तो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं कि मैं पता नहीं कब निकल जाऊं, जैसे वैक्सीन जाएगी मैं निकल सकता हूं, तो सर वो वैक्सीन को लेकर के जो किडनी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है या फिर बाकी डायबिटीज वगैरह है उनको लेकर के सर वैक्सीन को लेकर आप क्या कहेंगे कि वास्तव में क्या है, क्या चीजें चल रही है? साहब सरकार के पास एक टाइम में 100 करोड़ लोगों को देने के लिए ना वैक्सीन बन सकती है और इतनी जल्दी वैक्सीन अवेलेबल भी नहीं हो सकती। शुक्र है उन सब लोगों का, उन सब साइंटिस्ट का जिन्होंने इतनी सारी वैक्सीन डोज भी बनाने की हिम्मत करी और वो बनाते जा रहे हैं। आप समझिए वैक्सीन देनी किसको है, वैक्सीन देनी है हाई रिस्क। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास आदमी 3 है और वैक्सीन 1 है तो किसको दोगे, तो आप कहोगे जिसको सबसे ज़्यादा चांस है कोरोना होने का उसको दूंगा। तो फर्स्ट फेज में किसको दी गई, फ्रंट लाइन वॉरियर्स को दी गई, जो डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, क्लीनिंग स्टाफ था, पुलिस वाले थे, जो रास्ते में आपको जो आपकी आर्मी थी उनको दी गई, इसके अलावा किसी को नहीं दी गई, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे छोटे हों। जब दूसरा इंजेक्शन आया तो उन्होंने कहा किसको देंगे, हम देंगे 60 से ऊपर वाले बुजुर्ग, क्यों, क्योंकि उनको कोरोना हुआ तो बच नहीं सकते। किडनी वाले पेशेंट्स जिनको डायलिसिस चल रहा है उनको देंगे, ब्रेन के स्ट्रोक के पेशेंट्स, हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स, स्टंट वाले पेशेंट, बाईपास वाले पेशेंट्स, इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स, जो लोग कमज़ोर हैं उन वो वाले पेशेंट्स, या 45 से ऊपर वाले जिनको स्टीरॉयड्स चल रहे हैं, हर वो आदमी जो 45 से ऊपर की उम्र का है और उसको कोरोना होने से खतरा है वो नहीं बच पाएगा, उसी को वैक्सीन दे रहे हैं हम सेकेंड फेज में। अब तीसरे फेज में कौन लोग आएंगे, बाकी सारे लोग, हमारी जवान पॉपुलेशन जिसको आज कोरोना होने से खतरा कम है उसको हम आज भी नहीं दे रहे, क्यों, क्योंकि वैक्सीन शॉर्टेज है। जल्दी ही जब और वैक्सीन की सप्लाई आ जाएगी तो सारी की सारी पॉपुलेशन को वैक्सीन दी जाएगी, सिर्फ आज की तारीख में डॉक्टर्स और 45 से ऊपर वालों को वैक्सीन दी जा रही है। एक बड़ा गलत वर्ड यूज़ किया गया, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। साहब लोग कहते हैं कि वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है बुखार और हरारत, गलत बोलते हैं, वैक्सीन का ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वैक्सीन का इफेक्ट है। याद करिए जब छोटे बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स लेने जाते हैं या TPT का टीका लगवाने जाते हैं तो उसको एक दिन बुखार आता है, हरारत होती है, वो रोता है, क्यों, क्योंकि वैक्सीन एक मरा हुआ वायरस है जो आपकी बॉडी में डाला जाता है और आपकी बॉडी उस मरे हुए वायरस से लड़ती है, और अगर कुछ भी कोई भी फीवर नहीं आ रहा इसका मतलब वैक्सीन है ही नहीं, वो बेकार हो गई वैक्सीन या आपके अंदर काम ही नहीं करी। अगर आपको फीवर आ रहा है तो वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो इफेक्ट है वैक्सीन का। अगर आपको वैक्सीन के बाद छोटा मोटा बुखार आता है तो मैं खुश हुआ कि मुझे बुखार आया, कि मुझे वैक्सीन ने काम किया और कुछ तो मेरे अंदर है जो अगली बार कोरोना से मुझे प्रोटेक्ट करेगा। जी सर, यूथ पे किस तरीके से ये असर कर रहा है, ये यूथ और स्पेशली बच्चों के ऊपर अभी जो आया है कोरोना, पहले वाला कम था इस बार वाला ज़्यादा है? पहले जब सिर्फ ये कोरोना इफेक्ट करता था जिनकी इम्यूनिटी कम होती थी, जैसे ओल्ड एज लोग, किडनी वाले, हार्ट वाले पेशेंट्स, उनको ज़्यादा इफेक्ट करता था। अब क्योंकि कोरोना वायरस म्यूटेट हो गया है वो और पॉपुलेशन में भी एंटर कर रहा है, रिसेंटली देखा गया है बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रहा है, पर डरने की बात इसलिए नहीं है कि बच्चों को ये एक मामूली जुकाम बुखार खांसी ये सब जैसा फीचर्स कर रहा है, पर हाँ ये अभी यंग एज में और बच्चों में आ गया है, ये देखा गया है सेकेंड वेव में कि बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं।